एक दिखा सर दिया कल। देखिए हम लोगों ने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था अब आप लोग कोई थे ही नहीं, तो उसी टॉपिक को हम लोग करेंगे, तो उसमें ही करूँगा कि फिर से रिकनेक्ट करें या फिर एक तरीके से हम ये देखेंगे कि अच्छा पहले टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि जो हमारी मनी सप्लाई है इसको पूरी तरीके से नियंत्रित करती है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो हमारी मनी की सप्लाई है मनी का जो फ्लो है हमें कब सप्लाई बढ़ानी है कब सप्लाई को कम करना है इसके लिए RBI एक टूल का प्रयोग करती है, उसी टूल को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या टूल्स प्रयोग करती है RBI। ठीक है, तो इस मनी सप्लाई में हम लोगों ने पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस किया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने देखा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में क्या है एक बार अगर मैं तुमसे क्या है अगली बार लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है तरलता, लिक्विडिटी मीन्स क्या होती है तरलता। अच्छा अगर आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल दे करके बताते हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर मैं कह दूँ कि आपको अपना इलाज कराना है, ठीक है, आपको इलाज कराना है, अब इलाज कराने के लिए आपको चाहिए पैसे। ठीक है, सपोज अगर आपके पास सिटी में 1 करोड़ की कीमत का आपके पास क्या है हाउस है बंगलो है, आप इसको सेल कर देंगे तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपना इलाज करा सकते हैं। समझिएगा लिक्विडिटी क्या है, अब फिर बात हम लोग करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की। आपके पास 1 करोड़ की कीमत का घर है आप इसको सेल कर देंगे तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, उसमें आप इलाज करा देंगे। दूसरा आपके पास 1 करोड़ की कीमत आपके पास क्या है गोल्ड, आप उस गोल्ड को सेल कर देंगे उससे पैसा मिल जाएगा तो आप इलाज करा सकते हैं। आपके पास 1 करोड़ की ही कीमत के मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या आपके पास ट्रेजरी बिल्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं इसको इसी कार्ड को हम लोग कहाँ साथ जबकि इसको मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स पहले स्टेट आपको बता सकता था लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना कर सकते। मान के चलिए सरकार को 100 करोड़ रुपये पैसों की आवश्यकता है, 100 करोड़ की आवश्यकता है सरकार को किसी भी योजना में खर्च करने के लिए, लोगों को ग्रांट्स देने के लिए, लोगों को LPG सिलेंडर देने के लिए, ठीक है, किसी भी काम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट को 100 करोड़ की आवश्यकता है। अब गवर्नमेंट RBI से कहे कि मुझे 100 करोड़ की आवश्यकता है, अगर RBI के पास सरप्लस मनी है तो RBI गवर्नमेंट मुझे भी 100 करोड़ निकाल करके, लेकिन RBI के पास मान लीजिए ऐसा मनी नहीं है, ठीक है, तो RBI ऐसा तो है नहीं कि रात उसने अपने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया और मनी स्टॉप करके और सुबह होते करेंसी दे दी गवर्नमेंट को, ऐसा तो है नहीं, उसके पीछे क्या क्या आधार है कैसे हो क्या सकते हैं अगर हम बात करेंगे। तो अब अगर सरकार को 100 करोड़ चाहिए RBI के पास भी नहीं है, RBI जो है RBI के पास इतना गोल्ड रिजर्व भी एक्स्ट्रा नहीं है जिसके बेस पर वो पैसा छाप दें, तो क्या होगा सरकार एक कागज के फॉर्म में एक क्या जारी करेगी सिक्योरिटी जारी करेगी, मतलब एक विशेष कागज का टुकड़ा होगा जिसमें लिखा गया होगा कि इस एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कीमत मान के चलिए है 1 करोड़। ठीक है, और उसमें प्रॉमिस किया गया होगा सरकार के द्वारा कि जो कोई भी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल को परचेज करता है उसको एक सडन टाइम बाद मान के चलिए 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको हम 8% इंटरेस्ट रेट के साथ उसका प्रिंसिपल वापस करेंगे। भाई आप बैंक का पैसा जमा करते हैं क्या, भाई उसमें आपको 5% 6% आपको ब्याज मिलती है। सरकार ने क्या किया कि एक सिक्योरिटी जारी कर दी, ठीक है, उस सिक्योरिटी को क्या किया उसने RBI के पास भेज दिया। RBI क्या है एक मीडियम होता है, भाई सरकार तो है नहीं कि आप PM निकल जाएंगे कि भाई ट्रेजरी बिल ले लो सिक्योरिटी, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने क्या किया एक फॉर्म एक
प्रिंट कराया, एक फॉर्म की कीमत 1 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ चाहिए तो उसने 100 फॉर्म प्रिंट करा दिए, वो प्रिंट वो पहुंच गए RBI। अब RBI का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं ई कुबेर। RBI कलेक्ट क्या करेगा, इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा इन सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल को सेल करेगा। हम मान के चलिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है 50-60 करोड़, 70 करोड़, मैं क्या करूँगा, मैं देखूँ चलो सरकार का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार का आया है, ट्रेजरी बिल आया है, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, तुरंत ई कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा मैंने 10 ट्रेजरी बिल मैंने या 10 सिक्योरिटीज मैंने ले ली, क्योंकि उस पर सरकार ने प्रॉमिस किया हुआ है कि एक साल बाद इस ट्रेजरी या इस सिक्योरिटी को वापस लेकर के मैं आपको प्रिंसिपल तो दूंगा ही दूंगा, 7-8% का इंटरेस्ट रेट दूंगा भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्ट किया ना, तो आपके पास मान लीजिए इसी तरह आपने या मैंने इस तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स मैंने खरीद रखे थे, उनको मैं सेल कर दूंगा, उससे भी मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं उससे भी अपना इलाज करा सकता हूँ, ठीक है। या फिर मेरे पास 1 करोड़ का क्या है, कैश पड़ा हुआ है, बैग में भरा हुआ करेंसी नोट पड़ी हुई है। अब इनमें से सबसे तेज मीडियम कौन सा है कि अगर मुझे पेमेंट करना है तो सबसे तेजी के साथ पेमेंट करने की किससे होता है, सपोज दैट 1 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में ही पड़े हैं, ठीक है, मैंने कहा बैंक अकाउंट में 1 करोड़ पड़े हैं, सबसे तेज जो है मीडियम कौन सा होगा, कैश, यानी कि मोस्ट लिक्विड मीडियम कौन सा होगा, कैश, यानी कि सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी किसकी होगी, कैश की, समझिएगा, सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी किसकी हो जाएगी, कैश की हाईएस्ट लिक्विडिटी, ठीक है। गोल्ड भी हाई लिक्विडिटी का आता है, लेकिन उसे हाईएस्ट लिक्विडिटी नहीं कहेंगे, गोल्ड भी आपका हाई लिक्विडिटी में, इसलिए RBI वगैरह क्या गोल्ड को रखती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास, मैं कह रहा हूँ चलिए आपके पास कैश नहीं है, तो दूसरा तेजी के साथ मीडियम कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, आपके जो बैंक अकाउंट में बनी पड़ी होगी, ठीक है, वो भी तेज मीडियम है, बट इनकेस सर्वर नहीं काम कर रहा, बैंक का, ठीक है, बैंक का कुछ भी फॉल डाउन आ गया, तो आपका देखिए गोल्ड भी एक क्या है, एक जो है आपका हाई लिक्विडिटी में आता है, ट्रेजरी बिल भी हाई लिक्विडिटी में आते हैं, देखिए केवल जो हाउस है या फिर मान के चलिए कि आपने कोई एक मोबाइल से पेंटिंग खरीद रखी है, उसकी कीमत 100 करोड़, आपको कहीं कितना 1 करोड़, आप चाहें तो मोनालिसा को बेचेंगे पेंटिंग को, आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे, आपके पास वो मोनालिसा की पेंटिंग है, लेकिन क्या वो आपकी हाईएस्ट लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी में आएगी, नहीं, क्योंकि आप जो पहले उसका बायर ढूंढेंगे, जब बायर मिलेगा तो वो बायर इंटरेस्टेड होना चाहिए आपको 100 करोड़ देने के लिए, ठीक है, तब उसको आप बेचेंगे। मान के चलिए आपके पास इंडस वैली से जिसमें आपके पास कोई मूर्ति है, ठीक है, आपके पास कोई ब्रांच कोई मूर्ति है, उसकी कीमत भी 1000 करोड़ है, लेकिन क्या वो हाई लिक्विडिटी में आएगा, आपका वो एसेट है लेकिन क्या वो एसेट हाई लिक्विडिटी है, नहीं ना। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये बहुत ही बड़ा बेसिक था, कभी जाने पूछने वाला टॉपिक नहीं है, क्या है कि हमें अपने टॉपिक को रिलेट करने के लिए बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मैं हाई लिक्विडिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाई लिक्विडिटी किसकी हो गई, कैश की, उसके बाद आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड और ट्रेजरी बिल को हम लगभग गोल्ड या ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं, इनको हम लोग लगभग एक ही बराबर पोजिशन में रखते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गोल्ड हो, उनको लगभग हम एक ही रैंकिंग में रखते हैं, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट है मान लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हाई लिक्विडिटी में आते हैं। अगर लो लिक्विडिटी की बात करें, लेस लिक्विडिटी, ये सब क्या है, हाई लिक्विडिटी, इनकी क्या है, हाई लिक्विडिटी जो करते हैं। अगर हम लोग लो लिक्विडिटी की बात करें, हम लोग अगर लो लिक्विडिटी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका हाउस हो गया, आपके पास कोई पेंटिंग है, ठीक है, आपके पास कोई स्कल्पचर है, कोई एंशिएंट स्कल्पचर वो हो गया, ठीक है, आपके पास कोई एंशिएंट कार का, आपके पास एंशिएंट कार का पूरा जजीरा वो, ये सब क्या है, लेस लिक्विडिटी में आता है। तो इसमें और कुछ नहीं, बस हमको एक क्या देखना है कि क्या हाईएस्ट लिक्विडिटी में आता है, क्या लो लिक्विडिटी में आता है, ठीक है, इसी को हम कह देते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी।
अरे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये तीनों को हम लोग एक बराबर नहीं रखते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। हमें केवल हाईएस्ट देखना है कि भाई क्या हमारा हाईएस्ट इक्विटी में है, तो उसके बाद इन सब को हम लोग, ये सब तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। मतलब कहने की बात क्या है कि ये चारों जो है हाई लिक्विडिटी में आते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जिसमें से आपसे एग्जाम में कभी कभी ट्रेजरी बिल हो सकता है कि क्या ट्रेजरी बिल हाई लिक्विडिटी में आता है या लो लिक्विडिटी में आता है, क्योंकि भाई गोल्ड और अकाउंट वगैरह तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा, पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स हम लोग कभी कभी सोच सकते हैं कि ये सब लो लिक्विडिटी में आए। तो केवल आपको इसको याद रखना है कि हाई लिक्विडिटी में आएगा, आपको रैंकिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी लिक्विडिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, हाउ इजली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इनटू करेंसी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो जाएगी, हाउ इजली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इनटू द करेंसी, कितनी आसानी के साथ आप अपनी संपत्ति को करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगी लिक्विडिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो ये लिक्विडिटी है ये हमेशा उसका इसको रिलेटिव कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर हमें लिक्विडिटी देखनी है तो लिक्विडिटी हमेशा रिलेटिव कंपेयर होगी। रिलेटिव कंपेयर मतलब किसी के सापेक्ष। अगर हम लोग गोल्ड कह रहे हैं कि क्या गोल्ड हाई लिक्विड है या लो लिक्विड है, तो अगर सिर्फ गोल्ड कह दिया जाए तो उसको हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये दिया जाए कि क्या गोल्ड करेंसी के नोट के मुकाबले हाई लिक्विड है कि लो लिक्विड है, तो हम बता सकते हैं गोल्ड क्या लो लिक्विड है करेंसी के मुकाबले। अगर कह रहे हैं कि क्या गोल्ड हाउस के कंपेयर में हाई लिक्विड है कि लो लिक्विड है, हम बता सकते हैं कि हाउस के कंपेरिजन में हाई लिक्विड है, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी है हमेशा रिलेटिव कंपेयर की जाती है, ठीक है। इसी तरह से इसका डिसीजन उपयोग किया जाएगा। सिक्योरिटीज भी मैंने बता दी क्या होती है, आप पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आरबीआई को क्या करती है, आरबीआई की ट्रेडिंग करती है, और इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, ठीक है, एक गिवन टाइम के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, शेयर, ये सब क्या है, ये सब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपने बहुत रकम सुना है, आपने नाम सुना होगा, बॉन्ड सुना होगा, बहुत सुनाना। तो देखिए बॉन्ड क्या करती है, जब कंपनी कोई अगर प्राइवेट कंपनी है या कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी कंपनी है और उसको अगर पैसा चाहिए, भाई मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है तो कोई नया प्लांट डाल रही है, उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो क्या करेगी, या तो बैंक से लोन लेगी, ठीक है, या फिर वो मार्केट से पैसा उठाएगी। तो मार्केट से ऐसा तो है नहीं कि एक दिन मुकेश अंबानी फ़ोन करेगा आपको लोन चाहिए और आपको लोन दे देंगे, आप ऐसे तुरंत तो दे नहीं देंगे। आप क्या करेंगे कि उसके बदले में आप कोई ना कोई तो अपने पास रखेंगे ना एक सेफ साइड के लिए। तो मुकेश अंबानी क्या करेगा, वो अपने वो बॉन्ड जारी करेगा, वो रिलायंस लिमिटेड का बॉन्ड जारी करेगा। सपोज दैट 1000 बॉन्ड जारी किए गए और प्रत्येक बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ 1000 करोड़ चाहिए, और उसने मार्केट में उन बॉन्ड्स को जारी कर दिया, लोग क्या करेंगे, भाई रिलायंस इंडस्ट्री है उतना भग जा रही है, तो लोगों ने उसके 1-1 करोड़ के बॉन्ड अपन परचेज कर लिए। इससे क्या हुआ कि मुकेश अंबानी पर 1000 करोड़ पर पहुंच गया, उसको एक साल बाद आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस करना है, आपके 1 करोड़ जगह 1,08,00,000 वापस करेगा। लेकिन एक साल में उसने क्या किया, आपने 1000 करोड़ को 5000 करोड़ कर लिया, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है तो वो क्या करती है, वो बॉन्ड्स जारी करती है, ठीक है, वो डिबेंचर जारी करती है, वो शेयर जारी करती है, ठीक। लेकिन जब भी गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करेगी, गवर्नमेंट को अगर पैसा इकट्ठा करना है मार्केट से, तो ट्रेजरी बिल्स जारी करेगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करेगी। मतलब तो कभी अगर ट्रेजरी बिल्स लिख दिया जाए, ट्रेजरी बिल्स क्या है, तो आप ये ना कहते हैं कि कंपनी जारी करती है ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स हमेशा गवर्नमेंट जारी करती है। और भी समझिए, अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम समय के लिए पैसा लेना है, सरकार को अगर 1 साल से कम समय के लिए पैसा लेना है, तो ट्रेजरी बिल्स जारी करेगी, यानी कि less than 1 year तो ट्रेजरी बिल्स जारी करेगी। अगर गवर्नमेंट को 1 साल या उससे अधिक समय के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करेगी, ठीक है, दोनों में भी डिफरेंस है। अगर 1 साल से शॉर्ट टर्म अगर
पैसा चाहिए तो प्रिंसिपल्स जारी होंगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो क्या जारी होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी होंगे। एक साथ लिखवा दूँ लेकिन तो पहले लिखे गवर्नमेंट में लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म मैंने आपको बता दिया ना वन ईयर मतलब इक्वल टू वन ईयर और ग्रेटर देन वन ईयर एक साल या एक साल से अधिक समय के लिए लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थ्रू हाईएस्ट सिक्योरिटीज की है, दूसरा गोल्ड हो गया,
डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या है? आप अपना पैसा अकाउंट में जमा करते हैं ना, तो क्या होता है डिमांड डिपॉजिट होता है। इसी में एक टर्म आता है टाइम डिपॉजिट, ये क्या होता है? टाइम डिपॉजिट फिक्स्ड, वो आपने एफडी सुना ना, एफडी में हम लोग जो पैसा जमा करते हैं उसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट, अभी आगे हम बात करेंगे। और जो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पैसा उसको हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं बैंक से, बैंक को देना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट में जहाँ पे एक निर्धारित समय के लिए आपने पैसा जमा करते हैं, 2 साल 5 साल के लिए, उससे पहले आप बैंक से नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी। तो टाइम डिपॉजिट होता है सेविंग और करेंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट है। तो जो डिमांड डिपॉजिट है ये हो गए हाई, अगर अगर हम एफडी की बात करें तो क्या वो इसके करंट अकाउंट की कंपेरिजन में हाई लिक्विड है कि लेस लिक्विड है? लेस लिक्विड है, क्योंकि वो तो आपको 5 साल के बाद पैसा मिलेगा ना। लेकिन आप टाइम जो टाइम डिपॉजिट है उसके बेस पर भी आप लोन ले सकते हैं। सर तो अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है तो आपको हमारी जो फिक्स डिपॉजिट है तो 5 साल का, 5 साल बाद आपको 20 लाख रुपये मिलने हैं। लेकिन अगर आपको अचानक से 10 लाख का खर्चा पड़ जाए तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके बेस पर आपने उस एफडी के बेस पर भाई बैंक देखेगी कि हाँ भाई इनको 5 साल बाद 5 लाख मिलेगा, यानी कि मेरा पैसा कहीं जा ही नहीं रहा। बैंक का लोन देने का आधार क्या है? वो देखती है कि आदमी पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अभी तो बैंक देखती है, अगर वो समझ जाएगा कि पैसे नहीं दे पाएगा, ठीक है मेरा वो एनपीए हो जाएगा, तो बैंक पैसे नहीं देगी। वो देखिए वो आपके एफडी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रख लेगी गिरवी, ठीक है प्लेस कर लेगी गिरवी रख लेगी, और उसके बेस पर आपको 10 लाख रुपये निकाल के दे देगी। जैसे ही आपका पैसा मंजूर होगा मिलेगा, वो तुरंत रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपना पैसा काट लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वापस कर देगी। तो वो भी लिक्विड है, लेकिन कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट वो लेस लिक्विडिटी है, ठीक है। तो आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड्स हो गए, कोई भी मतलब मेटल्स हो गए, आपके हाई लिक्विड में आएंगे। लेस लिक्विड में क्या हो गया? हाउस हो गए, पेंटिंग हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, मूर्तियाँ वगैरह, ठीक है, या फिर क्या हो गए धीरे धीरे भी लेस लिक्विडिटी में आएंगे। देखते हैं RBI लिक्विडिटी इंजेक्शन इन द मार्केट। RBI के द्वारा मतलब एक तरीके से ये टर्म आपको समझना है, लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या है और ये लिक्विडिटी इंजेक्शन कौन यूज करता है, कौन लगाता है? तो RBI क्या है? लिक्विडिटी इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? आपके बॉडी में किसी दवा को लेकर इंजेक्ट कर देना, लिक्विडिटी इंजेक्शन। अब मान चलिए मार्केट में कंडीशन ये आ गई कि पैसे की बहुत कमी आ गई, ठीक है, डिफ्लेशन जैसी कंडीशन आ गई, पैसे की कमी आ गई, डिफ्लेशन जैसी कंडीशन आ रही है, ठीक है, भाई सरप्लस मनी आ जाएगा तो इन्फ्लेशन की कंडीशन उसमें आने लग जाएगी, पैसा बहुत ही कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन जैसी कंडीशन आने लग जाएगी। तो अगर मार्केट में पैसा अचानक से बहुत ही कम हो रहा, लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, लोग कुछ खरीद ही नहीं की जा रहे, अरे पैसे नहीं होगा लोगों के पास तो क्या करेंगे? लोग कुछ खरीदे ही जाएंगे। अब लोग मान लीजिए कार बना रही है कंपनी, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग कार खरीदने नहीं जा रहे, लोग कार खरीदने नहीं जाएंगे तो कार कंपनी क्या करेगी? अपने वर्कर से उनको हटा देगी, वर्कर हट जाएंगे तो वर्कर खा रहे थे रजनीगंधा, उन्हें रजनीगंधा बंद करके वो फ्री में आ जाएंगे, तो रजनीगंधा वाले अपने कर्मचारियों को हटा देंगे। अब रजनीगंधा के जो कर्मचारी थे वो भी कुछ डिमांड कर रहे थे, ठीक है, वो डिमांड नहीं करेंगे तो वहाँ के भी वर्कर्स हट जाएंगे। तो तरीके से क्या है कि मार्केट में जब पैसा कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। अच्छा एक ब्रेन कहती है कि इन्फ्लेशन इज द बैड बट डिफ्लेशन इज वर्स्ट। इन्फ्लेशन बुरा है लेकिन डिफ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बुरा, वर्स्ट, ठीक है। तो अगर मार्केट में पैसा नहीं है, पैसे का फ्लो बिल्कुल कम हो गया है, तो RBI क्या करेगी? RBI अपने तरफ से कुछ पैसा लेकर के मार्केट में इंजेक्ट कर देगी। मार्केट क्या करेगी कि पैसा इंजेक्ट करेगी, और ऐसा तो नहीं कि RBI अचानक से एक दिन कैनोपी लगा के बैठ गई ले जाओ पैसा। कैसे वो इंजेक्ट करेगी? वो बैंकों को पैसा बढ़ाएगी, और बैंकों को ऐसा तो नहीं कि RBI कहेगी कि आओ बैंक सब लोन से ले जाओ, ऐसा नहीं है। RBI क्या करती है, एक टर्म आपने सुना होगा CRR कैश रिजर्व रेट, ठीक है, और एक आपने वर्ड सुना होगा SLR
ठीक है, एक सुना होगा आपने रेपो रेट। इन सभी में आरबीआई क्या करेगी, इन सभी रेट्स में आरबीआई कटौती कर देगी। अभी मान के चलिए कि अभी प्रत्येक बैंक का जो सीआरआर है वो है 4%, यानी कि किसी बैंक की अगर टोटल वेल्थ है 1000 करोड़, तो उस बैंक को उस 1000 करोड़ में से 4% कितना हो जाता है, 40 करोड़ ना, ठीक है। तो अगर 1000 करोड़ किसी बैंक की वेल्थ है, तो उस बैंक को अपने टोटल वेल्थ में से 4% आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। जितना भी आपकी वेल्थ है उसका 4% आरबीआई अपने पास रख लेगी, और रख तो लेगी लेकिन उसका आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं देगी, यानी आपका एक पैसा एज अ सिक्योरिटी आपका आरबीआई के पास जमा है। अब आरबीआई अगर मार्केट में फ्लो बढ़ाना है पैसे का, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इस सीआरआर रेट, सीआरआर में जो कैश रिजर्व रेशियो रेट है उसमें कटौती कर देगी। आरबीआई कह देगी बैंक से कि अब आप ऐसा करिए, आप 4% का जमा करके आप 3% केवल सीआरआर क्या है, यानी कि मेरे पास आप 4% की जगह आप केवल 3% अपना टोटल वेल्थ का जमा करिए। तो उससे क्या होगा कि अभी बैंक को 40 करोड़ जमा करना पड़ रहा था, अब बैंक को जमा करना पड़ेगा मात्र 30 करोड़, तो बैंक के पास 10 करोड़ बैंक के पास बच गए ना। बैंक क्या करेगी, उस 10 करोड़ों को उठा करके मार्केट में भेज देगी। बैंक को जमा क्यों करना पड़ता है, अपना जितना अगर उसके पास एसेट है, मान लीजिए वो गोल्ड है, तो गोल्ड उसकी कीमत पर गोल्ड जमा कर देगी, या फिर उतना 40 करोड़ रुपए जमा करेगी। बैंक के पास मान लीजिए वेल्थ है 1000 करोड़ की, ठीक है, वो क्या करेगी, उसके पास जितना टोटल पैसा आया कस्टमर्स वगैरह का सबका मिला करके, वो उसकी क्या हो जाएगी, जितना पैसा उसके पास है बैंक का, उसमें से 4% वो आरबीआई के पास जमा कर देगी। अरे ऐसा इसलिए ना कि ताकि एक सिक्योरिटी बनी रहे, मान लीजिए बैंक भूल जा रही है, भाई लोगों को बोलता रहे ना कि भाई अगर मान लीजिए कल का बैंक का बॉर्डर रख गई, तो एक क्या है कि एक सीआरआर एक तो आरबीआई के पास उतना उसकी टोटल कीमत का 4% जमा है। भाई ये मतलब एक पॉलिसीज है, ये अभी आगे बताऊँगा कि कौन से कब ये 1924 का एक आया था, कैसे ये बनाया गया था, ठीक है। अब ये क्यों आया और इसमें क्यों इसको सकता है आरबीआई, बट ये मतलब मामला है कि सीआरआर एसआरआर मेंटेन करना पड़ता है, ताकि एक कस्टमर के सामने भी एक वो रहा है कि हाँ ठीक है बैंक भग नहीं सकती हमारी, ठीक है, मतलब उसका एक अमाउंट आज के पास जमा है एज अ सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए बैंक भग भी गई, तो कम से कम 4% उसकी टोटल पैसा आज के पास ना, ताकि वो कस्टमरों को थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे। अब मान के चलिए सपोज दैट अभी कुछ समय पहले यस बैंक नहीं बताई थी, यस बैंक दिवालिया घोषित हो गई, लोगों ने तुरंत क्या किया था, यस बैंक से अपना पैसा वापस लेना चालू कर दिया था। मान के चलिए ये न्यूज अफवाह, लोग क्या करेंगे, पैनिक हो जाएंगे, वो तुरंत लाइन लगा लेंगे हर पैसा देंगे, आरबीआई क्या करेगी, तो उनको 4% सीआरआर है उसमें से लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दे देगी, लोग थोड़ा सा कुछ समय के लिए लोग शांत हो जाएंगे। उतने बीच में आरबीआई क्या करेगी, यस बैंक सारे अकाउंट्स की जाँच करेगी, सारा कुछ जाँच करेगी, क्या ये वाकई है कि यस बैंक घाटे में जा रही है और कर रही है। कुछ समय के लिए पैनिक कंडीशन दूर हुई ना, और उसके बाद आरबीआई ने सारे उसके अकाउंट्स वगैरह चेक किए, उसके बाद न्यूज दे दी कि नहीं यस बैंक कुछ भी नहीं भग रही, या फिर अगर यस बैंक घाटे में जा रही है तो उसको क्या किया, जब यस बैंक घाटे में जा रही है LIC ने उसको क्या किया था, फंड दिया था, जिससे वो फिर से मेंटेन हो गई यस बैंक, और उसके जो शेयर नीचे गिर रहे थे और अचानक उसके शेयर रहता था पहले से भी ज़्यादा ऊपर हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंटेन रहे, इसके लिए CRR आता है। तो अब क्या है, अभी हमें मेन समझना है यहाँ पर लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या है। मार्केट में अगर पैसा कम हो गया, मार्केट में अगर पैसा कम है, डिफ्लेशन जैसी कंडीशन आ गई, मार्केट में पैसे ही नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सीआरआर में कटौती कर देगी, रेपो रेट में कटौती कर देगी, जिससे बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा। अभी बैंक के पास मार्केट में फ्लो करने के लिए बैंक के पास मात्र 100 करोड़ है, और अगर सीआरआर में कटौती हो जाएगी तो बैंक के पास 1-2 करोड़ हो जाएगा, मान करिए तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया ना, वो 2 करोड़ एक्स्ट्रा मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में कैसे एक्स्ट्रा आएगा, अब मैं लोन के लिए मैं पिछले 2 महीने से मान लीजिए परेशान हूँ, ठीक है, लेकिन बैंक के पास पैसा कम, बैंक देख रही कि नहीं यार इसमें अगर ये समझ सही नहीं है, वो मतलब कि मेरा पैसा लोन बन जाए, वो तो सेफ साइड ही खेलेगी ना, वो सेफ गेम सेफ जोन में। तो अभी क्या है, 2 महीने से मेरी फाइल आगे बढ़ रही है, रिजेक्ट हो रही है, लेकिन अब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो बैंक उस एक्स्ट्रा पैसे को अपने पास रखे भी नहीं, रखते रखे ऊपर तो रहा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बैंक के पास पैसा जमा किया है उनको तो ब्याज चाहिए। अगर बैंक अपने पास पैसा बचा कर रखेगी तो ब्याज कम देगी, तो ये बैंक की भी
वो है मतलब उसकी भी एक तो क्या कह सकते हैं उसको समस्या है एक तो, ठीक है हाँ ज़रूरत है ठीक है उसके लिए नेसेसरी है उसके लिए भी कि वो भी लोन दे भाई जब लोन देगी तब तो उसके पास पैसा आएगा और तब वो सामने वाले को पैसा देगी जिसका पैसा उसके पास जमा है तो अब उसने क्या किया जैसे उसके पास 2 करोड़ आया तो उसने कहा कि ठीक है लाओ इसकी 2 महीने से रिजेक्ट हो गई थी लाओ इसको भी लोन दिया जाए ठीक है तो अब मुझे पैसा मिल गया अभी तो मैं हाथ को उसी घोड़े बैठा था कि नहीं यार पैसा नहीं है गाड़ी नहीं देंगे तो अब जैसे मेरे पास 20 लाख आएगा मैं उसका पहुँचूँगा अभी मैं खरीद रहा था मान लीजिए स्विफ्ट डिजायर तो मैं सीधे पहुँचूँगा जाके हुंडई वेरना खरीदूँगा है ना पैसा भाई डिमांड ने सप्लाई क्या पैसा जैसे ही आएगा ऐसे कि जैसे ही पैसा आएगा डिमांड आपकी बढ़ेगी ठीक है और अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उस हिसाब से ना बढ़ पाई सप्लाई तो क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी भाई डिमांड अगर डिमांड जनरेट हो डिमांड चलेगी मार्केट में ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया पैसा CRR बहुत कम हो गया और मार्केट में पैसा ज़्यादा इंजेक्ट हो गया एक लिमिट से ज़्यादा ठीक है देखिए इसकी लिमिट क्या होती है अगर मैं बता दूँ आपको तो मान लीजिए CRR है 4% ना तो इस CRR या रेपो रेट का प्लस माइनस 2% ये मेंटेन करके रखते हैं यानी कि -2% जा सकता है CRR का जो रेपो रेट है उसका -2% जा सकती है यानी कि -2% में 2% हो जाएगा और अधिकतम 6% जा सकता है मतलब ये महंगाई को मेंटेन करने का एक तरीका है अगर इस 2% से कम गई ठीक है 2% से कम हो गई अगर महंगाई तो क्या हो जाएगा मार्केट में पैसा उससे भी कम होने लगे डिप्रेसिंग कंडीशन आने लगेगी और अगर पैसा इससे ज़्यादा हो जाएगा 6% से तो इन्फ्लेशन कंडीशन आने लगेगी तो ये केवल आप एक फॉर्मूला आगे भी तो मैं क्या कह रहा था अब मान लीजिए मार्केट में इंजेक्ट ज़्यादा हो गया पैसा ज़्यादा पैसा हो गया एक लेबर है उसको 300 रुपये को मिल रहे हैं ठीक है उसकी लेबर उसकी जो वेजेस है वो 350 रुपये है तो क्या करेगा क्या वो पिछले भी दिएगा नहीं अब अगर पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया तो उसको दिहाड़ी मिलने लगी 1000 तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी वो क्या करेगा पिछले भी खरीदने लगेगा अभी पिछले भी मान लीजिए 1 करोड़ बोतल बिक रही थी अचानक से रातों रात 1 करोड़ बोतल से बढ़कर 1.5 करोड़ बोतल बिकने लगी जिससे भाई प्रोडक्शन तो उतना ही है प्रोडक्शन तो रातों रात बढ़ ही जाएगा कंपनी का भाई उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो मशीनरी है वो एक एक दिन में 1 करोड़ बोतल प्रोड्यूस कर पा रही है डिमांड अचानक से बढ़ गई तो क्या होगा उससे कि वो जो 20 रुपये दूर वाली बोतल 50 कितने लगेगी महंगाई बढ़ गई ना भाई क्योंकि ये किसी को क्या कहते हैं सैनिटाइजर पहले मास्क पहले 5 रुपये का बिकता था 10 रुपये का अचानक से डिमांड बढ़ गई 200 के मास्क बिकने लग गए वो ऑक्सीमीटर वगैरह मैं खुद लेके आया 2000 रुपये का ऑक्सीमीटर और उसके बाद अभी मैं फिर एक लेकर के आया तो वही वाला ऑक्सीमीटर 350 रुपये का ठीक है कोविड में अप्रैल में लेके आया था ऑक्सीमीटर 2000 का और मुझे पता था कि लोकल है लेकिन भाई है नहीं मार्केट में क्या करोगे लोकल लेके आया ठीक है 2000 का और वहीं पर वो मेरा खो गया मैं फिर से लेके आया वही ऑक्सीमीटर 350 रुपये मिला तो ये क्या है डिमांड एंड सप्लाई का ही प्रॉब्लम है ना ठीक है तो यही क्या है कंडीशन इन्फ्लेशन अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा इंजेक्ट हो गया तो उससे क्या होगा उससे डिमांड बढ़ जाएगी और अगर डिमांड और सप्लाई आपस में मैच हो गई जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो इकोनॉमी जो है इसमें चलती रहेगी लेकिन इन केस डिमांड बढ़ गया और सप्लाई उसके कंपैरिजन में नहीं बढ़ पाई तो क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन आ जाएगा महंगाई बढ़ जाएगी यही तो है महंगाई महंगाई और क्या भाई अभी आपको आप 20 रुपये की बॉटल खरीद रहे हैं फिर आप 50 की बॉटल खरीदने लगेंगे मतलब कि पैसे की जो औकात है वो घट गई अभी जो 20 रुपये की औकात है वो 50 की हो जाएगी वही क्या इन्फ्लेशन अब अगर ये इन्फ्लेशन है मार्केट में महंगाई बढ़ गई तब RBI क्या करेगी तब RBI मार्केट से पैसे को सख्त करने लगेगी मार्केट से पैसे को सोखने लगेगी ताकि लोगों की जेबों से पैसा निकल जाए और लोगों की जो डिमांड है वो घटने लगे तो RBI क्या करेगी सीधी सी बात है CRR को बढ़ा देगी CRR को RBI क्या करेगी बढ़ा देगी अब CRR को बढ़ा उसने कर दिया 3% से 5% ठीक है SLR को बढ़ा दिया मैं आगे बताऊँ SLR क्या है SLR को बढ़ा दिया अभी प्रेजेंट टाइम मान लिया 18% SLR अब RBI ने कह दिया कि प्रत्येक बैंक को अपना SLR जो है उसको 25% मेंटेन करना है तो अब बैंक क्या करेगी जिसकी 1000 करोड़ जिसकी टोटल वेल्थ है अब वो पहले 3% उसका CRR था मतलब 30 करोड़ RBI के पास जमा हो रहा था अब उसको इस 1000 करोड़ में से 50 करोड़ तो RBI के पास जमा करना पड़ गया SLR अभी इस्तेमाल के लिए 18%
SLR को बढ़ा के कर दिया जाए 25%, ठीक है। तो इससे मान के चलिए कि 100 बॉन्ड फॉर दैट, ये ना कहिए कि 1000 का हमने बैलेंस हो गया, ठीक है, हमारे 250 करोड़ की अगर हम बात करें, 250 करोड़, ठीक है। तो ये 250 करोड़ SLR मेंटेन करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 300 करोड़ तो बैंक को रोक के ही रखना पड़ेगा। मार्केट में केवल कितना पैसा फ्लो कर सकता है, 700 करोड़। पहले कितना फ्लो हो रहा था, पहले खाली फ्लो हो रहा था 1800 करोड़, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा था। अब ये CRR का सलाह बढ़ा दिया गया तो मार्केट से पैसा सक कर लिया गया लोगों के पास, जहाँ पर लोगों की जेब में पड़े 10,000 का, उसकी जेब में पड़ा 5,000, तो क्या करेगा, डिमांड उसके अपने आप घट जाएगी। इससे क्या होगा कि महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन क्या होगा कंट्रोल में आ जाएगी। तो समझा रहा ना किस तरीके से जो RBI CRR SLR रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, इन सब का भेद किया है, ठीक है ना। तो ये सब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इनको मेंटेन करने के तरीके हैं RBI के। तो देखो बात करते हैं लोग जो भी इंजेक्शन की और कैसे करते कहाँ CRR SLR, ठीक है। तो क्या हो गया, RBI लिक्विडिटी इंजेक्शन का प्रयोग करती है जिस वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाने की, ठीक है। RBI मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए RBI मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन का प्रयोग करती है। RBI मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन का प्रयोग करती है। उसके लिए क्या क्या हो जाएगा, या कि CRR SLR ये सब तो हो जाएंगे, इन सबको क्या करेगी, बढ़ा देगी, फ्लो बढ़ जाएगा। एक तरीका और है इसके फ्लो बढ़ाने का, मान के चलिए आपके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है, आपके पास क्या पड़ी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था उसकी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली या कोई ट्रेजरी बिल खरीद लिया, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था उनको आपका खत्म हो गया, क्योंकि अब आपके पास कोई कागज का रखता है। अब अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी है, फ्लो बढ़ाना है, तो RBI के पास क्या करेगी, एक कोटेशन निकाल देगी, एक न्यूज़ दे देगी कि जिसके पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, ट्रेजरी बिल पड़ा है, वो आ करके अपना कैश करा दे, और उसको मान के चलिए अगर 6.5% की बात कहा जा रहा था, कह दिया जाएगा कि अब उसको उस ट्रेजरी बिल पर 6.75% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, तुरंत जाते चले जाएंगे कैश कराने, क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मैंने खरीद रखा 1 करोड़ का ट्रेजरी बिल, और मैं तुरंत RBI जाऊँगा, बैंक के पास जाऊँगा, ठीक है, या ई गोवेट प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा, और वहाँ पर अपना ट्रेजरी बिल सरेंडर कर दूंगा, और उसकी जगह पर मुझको कैश मिल गया 1 करोड़ की जगह, मुझको कितना मिल गया 1,76,70,000 मिल गए। अब जैसे मेरे पास पैसा अचानक से आया तो क्या करूँगा, मार्केट में कूद जाऊँगा, यही तो होता है, लोग बाहर कौन पड़ रहा है, मतलब बांधा में ही बाहर है कि बांधा में बाहर है, ठीक है। तो एक पैसा का बात करता हूँ, घर से एक आपको एक घर से एक मिलता होगा ना भत्ता, रोजाना भत्ता, महीने की स्टार्टिंग में मिलता था, कहाँ रहते थे आप, दो साल का बताते हैं कहाँ है, रामा का इमाम बड़ा अलीगंज के आसपास है क्या इधर, ठीक है। तो अब एक तरीके को पैसा आता था ना, अब जैसे ही पैसा क्रेडिट होता होगा, सही बताना कि खर्चे किस तरह होते थे, खर्चे बढ़ जाते थे, अभी घर में आप खाना मतलब रूम में खाना बनाते थे कि बाहर खाते थे, बनाते थे तो शुरू के 7-8-10 दिन, फिर अगर रूम पे बना भी रहे हैं तो डेली पनीर बनाते होंगे, ठीक है, या फिर बाहर खाने चले जा रहे पैसा जीते रहे फिर तो बाहर ही खाते होंगे। तो क्या है, जैसे ही मनी का फ्लो हुआ, सप्लाई बढ़ी, आपकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, और जैसे जैसे 15-20 तारीख आई, तो फिर धीरे धीरे पनीर छोड़ो सब्जी बननी भी बंद होती होगी, केवल दाल चावल ही बनता होगा, दाल रोटी बनती होगी, ये तो है ना। तो क्या है कि जैसे आपके पास पैसा आएगा आप उसके मतलब खर्च करेंगे, इसी को देखती है RBI, क्योंकि मार्केट में पैसा कम हो गया, फ्लो कम हो गया, डिमांड घट रही है, लोगों की जॉब जा रही है, तो RBI तुरंत क्या करेगी, RBI तुरंत पैसा बांटना चालू कर देगी,
ब्याज दर को घटा देगी, होम लोन 6% 6.5% होम लोन कर देगी, कार लोन 5% कर देगी, खरीदो खूब खरीदो, लोन की ब्याज खूब कम कर देगी, खूब लोन लो, खूब खर्चा करो। ये जो आपके ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट को देगी, इनकी ब्याज बढ़ा देगी, इनकी इनको तुरंत कैश करने लग जाएगी, लोगों के पास पैसा ही लग जाएगा, लोग मार्केट को देगा, खर्च करेंगे। यही सब क्या है, यही सब है आपका लिक्विडिटी इंजेक्शन। लिक्विडिटी इंजेक्शन को कम फायदा होगा, मतलब आगे आगे फायदा कम होगा, मेजर ऑफ वैल्यू। इसके आगे थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, मनी इज अ टूल इक्वल टू फिर मेजर ऑफ वैल्यू। हाँ, इसी पे आगे थोड़ा सा लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए भाई, जहाँ आपने मेजर ऑफ वैल्यू लिखा है ना, उसी के आगे मनी लिख करके इक्वल कर लीजिए, यानी मनी ही वो टूल है कि वैल्यू को मेजर करता है। अगर ये बोतल है तुम्हारी तो ये क्या है, मनी ही तो इसको मेजर कर रहा है ना कि 100 रुपए की है, 200 रुपए की है। पहली क्लास पढ़े थे इकोनॉमिक्स की, नहीं पढ़े थे इकोनॉमिक्स की पहली दूसरी क्लास, उसमें यही चला था कायदे से क्या होती है कम्युनिटी मनी, क्या होती है, ठीक है, हिस्ट्री मनी, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर लोगों ने ये मेरी तरफ पैसे वगैरह सबको भेज सकता, ठीक। तो मनी इक्वल टू मेजर ऑफ वैल्यू, अगली हेडिंग आप भी इसके बारे में देखते हैं क्या है। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जॉन केन्स, एक अर्थशास्त्री थे जॉन केन्स, उन्होंने ये मेजर ऑफ वैल्यू ये कॉन्सेप्ट दिया था। मनी इक्वल टू कि लोग क्यों कुछ कैश अपने पास रखते हैं, क्यों नहीं पूरा का पूरा कैश बैंक में रखते हैं। ये मतलब उनका एक पूरा उन्होंने थ्योरी दिया कि आखिर क्या कारण है, क्या उद्देश्य है कि लोग कुछ कैश अपने पास कैश के फॉर्म में रखते हैं। कुछ पैसा मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो क्या इस संभव है क्या पूरे 1 लाख का गोल्ड खरीद लें, कि आप पूरा 1 लाख बैंक में जमा कर दें। आप क्या करेंगे, अगर आपको 1 लाख रुपये मिले तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये जेब में रख लेंगे, ठीक है, फिर 20-30,000 का आप गोल्ड खरीद लेंगे, ठीक है, फिर बाकी जो बचेगा आप कहाँ जमा कर देंगे, बैंक में जमा कर देंगे। ऐसे तो होता है, जॉन केन्स ने क्या कहा कि ऐसा क्या कारण है, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से लोग सारा का सारा पैसा अकाउंट में जमा ना करके या उसको गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके या फिर उसके बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल ना खरीद करके कुछ पैसा कैश के अकाउंट में अपने पास रखते हैं, ठीक है। सीधी सी बात, क्योंकि कैश इज अ हाईएस्ट लिक्विडिटी, कैश है ना हाईएस्ट लिक्विडिटी, कैश क्या है, सबसे अधिक तरलता है ना कैश की, ठीक। तो इसके उन्होंने 3 मोटिव बताए कि इसके पीछे 3 मोटिव, ठीक है, 3 उद्देश्य थे कि क्यों लोग अपना पूरा पैसा बैंक में ना जमा करके और कुछ पैसा अपनी जेब में बता देते हैं कैश के। पहला लिखिए, पहला मोटिव ट्रांजेक्शन मोटिव, पहला मोटिव ट्रांजेक्शन मोटिव, लेन देन उद्देश्य, ट्रांजेक्शन मोटिव मीन्स लेन देन उद्देश्य, ट्रांजेक्शन मोटिव लेन देन उद्देश्य, पहला पॉइंट आइए ट्रांजेक्शन मोटिव में। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसकी बात हमने पहले क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी अदला बदली यानी एक्सचेंज का एक मीडियम है, माध्यम है। अब आप गए किसी कॉफी पर, ठीक, आपने क्या खरीदा, आपने दूध खरीदा, ब्रेड खरीदा, कुछ चीज़ें खरीदी, टोटल हुआ मान लीजिए 40 रुपये। अब आप उसको कह रहे हैं कि मैं इंटरनेट बैंकिंग में पेमेंट करूँगा या मैं तुमको चेक काट के दूँगा, तो क्या इशू हुआ है, नहीं। अब तो मान लीजिए एप्लीकेशन आ गया है
क्या है, ट्रांजेक्शन मोटिव, कि जो छोटी छोटी जो चीज़ें लोग खरीदते हैं डेली, दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए पैसे से भुगतान कर सकें कैश, ठीक है, और तुरंत ट्रांजेक्शन हो सकते। पहला पॉइंट लिख लिया ना, कैश या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, या ये भी सकते हैं लोग मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसी में आप उसके कारण भी लिख सकते हैं कि एवरी शॉपकीपर चेक एंड बैलेंस पेमेंट। मेन चीज़ तो यही है जो मैंने आपको समझा दिया एक लाइन में, कि ट्रांजेक्शन मोटिव क्या है, कि आप छोटी छोटी जो सामान खरीद रहे हैं उसके लिए आप चेक नहीं दे सकते, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते, NEFT RTGS, आप वो शॉपकीपर मान जो वैलेट भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। ये है एवरी शॉपकीपर विल नॉट एक्सेप्ट चेक ऑफ वैलेट। दूसरा क्या है, दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशन क्या होता है, एहतियात होता है ना, तो प्रिकॉशनरी मोटिव हो गए जिसमें कह सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव में एहतियात उद्देश्य में पहला सडन एक्सपेंडिचर, मान लीजिए अचानक से आप बीमार हो गए, ठीक है, अचानक से आप बीमार हो गए तो उसके लिए आपको कैश, मान लीजिए रात में अचानक से बीमार हो जाए, रात में बैंक बैलेंस बंद है, बैलेंस पेमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या है, सडन एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए आपको कुछ पैसा अपने जेब में बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर। इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर क्या है, आप मान लीजिए गए घूमने सिंगापुर, अब वहाँ आपको चीज़ पसंद आ गया, आप वहाँ खरीदना है, तो आप क्या करें, आपके पास लिक्विड को तो तुरंत खरीद लेंगे, बस कैश को तो तुरंत खरीद लेंगे। अब मान लीजिए आप गोल्ड यहाँ से करते हैं जैन पहन के गए, तो आप ये भी करेगा कि मैं गोल्ड खरीदो, कैश नहीं तो आप गोल्ड को दे देंगे, उसे खरीदेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट का पैसा पड़ा है, अब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, या फिर आपका भारत में आपका 1.5 करोड़ का बंदो है, आप उससे कह रहे हैं अरे यार मेरा भारत 1.5 करोड़ का बंदो है, मुझे 20 लाख का नहीं दे सकते, दे देगा मुझे नहीं देगा, तो क्या है ये इम्पल्सिव ट्रांजेक्शन या इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर, मतलब आपको खरीदना है, ठीक है, उन सब के लिए, या फिर कोई सडन एक्सपेंडिचर आ गया तो उसके लिए क्या है प्रिकॉशनरी मोटिव, इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर, इम्पल्सिव परचेज, सडन एक्सपेंडिचर, उसके लिए क्या है प्रिकॉशनरी प्रिकॉशनरी मोटिव जो है लोग इस वजह से ही, एक तो दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं उसके लिए लोग अपने पास कैश रखते हैं, दूसरा इस तरीके से सडन एक्सपेंडिचर आ गए, अचानक से कुछ आपको खरीदने की इच्छा जागृत हो गई उसके लिए लोग अपने पास कैश रखते हैं, तीसरा जो है स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव SPECULATIVE, SPECULATIVE इस बेच बेटियों मोटिव, इसको कहते हैं सबका उद्देश्य, SPECULATIVE इस बेच बेटियों मोटिव, ये तीसरा उद्देश्य है जिसकी वजह से लोग कैश अपने पास रखेंगे, यानी सत्ता उद्देश्य। अब इसमें क्या है, हम चाहिए मेरे पास सट्टा 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 वही वाला सट्टा, ठीक है, गैम्बलिंग सट्टा उद्देश्य। अब क्या है, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ का, मुझे पता है कि MRF की शेयर की पॉइंट वाली गई, अभी कम जा रहा है, लेकिन किसी न किसी दिन अचानक से बिटकॉइन डूबा जाएगा, ठीक है, या फिर मेरे बगल में एक प्लॉट है, मुझे पता है कि प्लॉट किसी न किसी दिन उसको आवश्यकता पड़ेगी और वो उसको अभी 1 करोड़ मांग रहा है और वो अचानक से 80 लाख रुपये देगा, ठीक है, तो अगर हम अपना पैसा मान लीजिए फिर डिपॉजिट हमने कर दिया
तो वो 80 लाख मिला, 400 लाख में बेचने को तैयार हो गया, तो आप देखे नहीं कि उसको अच्छा अटेंडेंस चाहिए, तो वो ये तो हमसे कहेगा नहीं कि ठीक है मैं एक साल इंतजार करता हूँ, मुझे उसको अच्छा आना चाहिए तुरंत, तो हम क्या करेंगे 1 करोड़ रुपये कि जिस दिन कंपनी का बॉन्ड कंपनी जो है सस्ते में बॉन्ड देगी, ठीक है प्रॉपर्टी सस्ते में प्रॉपर्टी मैंने लग जाएगी, ठीक है वो हमारा कवारी है तो नई कार लेके आ रहा है, कार ठीक है लेकिन जिस दिन इसको उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा उस दिन वो जो है हमारे 1 करोड़ की कार भी आएगा तो 2.5 लाख का इंश्योरेंस कराएगा ना, पता है 1 करोड़ मिल गया तो कार कम्प्लीट आया, लेकिन जिस दिन उसको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा उस दिन उसको कार बेचनी पड़ जाएगी, हमारी नज़र उसकी कार के ऊपर है मतलब बेचेगा ही, जिस दिन उसको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तो क्या पैसे को इकट्ठे करके रखेंगे बेचेगा तो भाई जिस दिन वो बेचेगा कहेगा भाई मैं जरूरत तुरंत क्या करेंगे खरीद लिया, ये क्या है स्पेकुलेटिव मोटिव, तो लोग इसके लिए ही पैसा अपने पास बचा के रखते हैं कि जिस दिन अचानक से हमें कोई प्रॉफिटेबल हमें सौदा दिखेगा तो हम उसको हम करेंगे, यही तो मोटिव होते हैं और क्या होता है भैया अकाउंटेबल नहीं खुद के लिए या तो कोई सडन एक्सपेंडिचर के लिए रखेंगे या फिर हम किस लिए रखेंगे स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, अचानक से किसी हमारे हाथ जैकपॉट अचानक से कोई आपके पास लेकर के आ गया कोई क्या कहते हैं इसको लॉटरी वाला टिकट, ठीक है और जो है बिल्कुल आपके पंडित जी ने कहा है कि इस नंबर का लॉटरी टिकट अगर आज आपको मिल गया तो इस मत चल जाएगी और वो कह रहा है कि 1 लाख रुपये बेचूंगा तो क्या करेंगे भाई, वो तो उसी दिन का टिकट है ना अगले दिन रिटर्न खोलना है, तो आप बैंक आप इंतजार थोड़ा कर सकते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट को खोलने का, तो क्या करेंगे 1 लाख रुपये का बचा के रखें उसी दिन था खरीद लेंगे, ये सारा क्या हो गया इस स्पेकुलेटिव मोटिव हो गया है इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है तो मीटर ऑफ वैल्यू किस ने ये उद्देश्य बताया ट्रांजेक्शन यही लिख लो सकता है उद्देश्य के लिए और क्या लिख लो उसमें नीचे लिख लो फॉर परचेज बॉन्ड प्रॉपर्टी शेयर भाई सकता उद्देश्य लिख लीजिए और उसके नीचे लिख लीजिए फॉर परचेजिंग फॉर परचेज बॉन्ड शेयर प्रॉपर्टी चेंज करना
और आज का सही बात छुट्टी मारने वाला था, छुट्टी मारने वाला था नहीं करता था, देखते हैं हम लोग उसमें इधर लिखे पैरामीटर, इधर लिखे फिक्स डिपॉजिट, इधर लिखे सेविंग अकाउंट, फिर लिखे करंट अकाउंट। ये पैरामीटर है, मतलब किन किन पैरामीटर के आधारों पे हमको इन तीनों की तुलना करनी है ना। यहाँ पर पैरामीटर देखने हैं, किन किन पैरामीटर यानी आधारों पर हमें इन तीनों की तुलना करनी है। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इन तीनों को कंपेयर करना है। पैरामीटर सबसे पहले लिखे इंटरेस्ट, क्या पॉइंट इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के आधार पर इन दोनों की तीनों की तुलना करें। हम जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसने क्या है 5 साल के लिए अपने सीधे पैसे जमा कर दिया, बैंक भी उस पैसे को अपने पास रखेगी, वो भी उठा के घुमा देगी दूसरी जगह। उसने जो है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक ने आपने बैंक आपको क्या करेगी, बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे लगभग 6% का उसने आपको ब्याज दे दिया। वो आपका फिक्स डिपॉजिट है 5 साल के लिए, 5 साल बाद आपको 6% के इंटरेस्ट पर आपको क्या मिलेगा, तो ब्याज मिल जाएगी और आपका प्रिंसिपल वापस हो जाएगा। लेकिन अब उस 5 साल तक बैंक अपने पास से पैसा रुकेगी नहीं ना। मैं गया बैंक, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा 12% ब्याज लगेगी, ठीक है, बैंक ने हमको 1,00,000 रुपये मतलब उसी आपका पैसा बैंक ने हमको दे दिया और हमसे बैंक ने कितना ब्याज चार्ज किया 12%, ठीक है। 5 साल तक मैं भी पैसा रखी हूँ अपने पास, 5 साल बाद मैंने बैंक को पैसा वापस किया, मैंने वापस किया 1,60,000, ठीक है।
और 5 साल बाद आप लेने पहुंच गए, आपको बैंक ने कितना दिया? 1 लाख वाले 30,000, ठीक है। बैंक ने क्या 30,000 रुपये बैंक ने अपना प्रॉफिट कमाया। बैंक क्या, एक तरीके से बैंक एक ब्रोकर का काम करती है, एक मीडियम का। हमारा पैसा है आपको देना है, बीच में बैंक क्या करेगी, बस एक मीडियम के जैसा, एक दलाल के जैसे बीच में जो पैसा कमाते हैं। बैंक क्या करती है, हाँ इसकी टोपी उसके साथ शेयर खरीद लेगी, म्यूचुअल फंड में लगा देगी, ठीक है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीद लेगी, गवर्नमेंट के ठीक है सिक्योरिटीज खरीद लेगी, कंपनियों के बॉन्ड्स खरीद लेगी। बैंक भी देखिए ना, सरकार के जो बिल ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, बैंक देती है। तो ये सब बैंक के एसेट में आते हैं, बैंक गोल्ड भी खरीदती है, ये सब बैंक आते हैं। तो अब पैरामीटर में हमने पहला पैरामीटर क्या देखना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो सेविंग अकाउंट है उसमें लगभग मान लीजिए 3% मिला, फिक्स डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि सेविंग अकाउंट में, और करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट। करंट अकाउंट कौन खुलवाते हैं, बिजनेस मैन, ठीक है। करंट अकाउंट में कोई बिजनेस, हम लोग जो है सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, कोई बिजनेस मैन है उनका खुलवा करंट अकाउंट, फायदा हो करंट अकाउंट में, कितनी बार पैसा निकालो, कितनी बार विड्रॉल जमा करो, कोई चार्ज नहीं लगता। सेविंग अकाउंट में तो क्या एक लिमिट है भैया, 5 बार से ज़्यादा ATM में पैसा निकालेंगे आपका चार्ज कटेगा। करंट अकाउंट में कितनी बार निकालिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। फिक्स डिपॉजिट में क्या है, 5 साल के लिए ही आपका पैसा जमा हो गया, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें उससे कम मिलेगा, और करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। पहला पैरामीटर हो गया इंटरेस्ट। चलिए दूसरा पैरामीटर पेनाल्टी ऑन अर्ली विड्रॉल, पेनाल्टी ऑन अर्ली विड्रॉल, मतलब अगर आप समय से पहले पैसा अपना निकालते हैं तो पेनाल्टी। दूसरा पैरामीटर है पेनाल्टी ऑन अर्ली विड्रॉल, समय से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो पेनाल्टी ऑन अर्ली विड्रॉल। तो इसमें क्या है, इसमें यस पेनाल्टी लगेगी, आपने 5 साल के लिए अपना पैसा जमा किया और अगर आपने 3 साल में ही अपना पैसा निकाल लिया तो उसमें आपकी पेनाल्टी लगेगी। सेविंग अकाउंट में कोई पेनाल्टी नहीं है, आपने अपना पैसा आज जमा किया, आप जाकर कितने दिन बाद आप निकाल लीजिए, कोई पेनाल्टी लगेगी क्या नहीं। हाँ एक केस ये है कि मान लीजिए आपने ATM आपने 10,000 रुपये जमा कर दिया है बैंक में, आप जाइए आप ATM से 10,000 रुपये एक बार निकाल लीजिए, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब ATM में क्या, मान लीजिए 5 बार तो क्लिप फ्री है, आपने गए 5 बार आपने 1,000 निकाले, आपने फिर से पैसा निकाला तो वो ट्रांजेक्शन फीस आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो उसको पेनाल्टी भी नहीं कहेंगे, वो तो क्या है कि ATM वगैरह उनका तो एक अलग, ठीक है। तो इसमें कोई पेनाल्टी है तो नहीं, इसमें नो, इसमें भी नहीं, ठीक है। आप कितनी भी बार जमा कीजिए, कितनी भी बार आप निकालिए, कोई पेनाल्टी नहीं। करंट अकाउंट में आप कितनी भी बार जाकर के जमा कर दीजिए, कितनी भी बार जाकर निकाल लीजिए, कोई पेनाल्टी नहीं। पेनाल्टी सिर्फ इसमें है फिर भी। चलिए अगला पैरामीटर देखिए बोरोइंग, बोरोइंग बोरोइंग मीन्स उधार लेने का ऋण। दूसरा पैरामीटर क्या है, बोरोइंग। भाई मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, अभी मैंने आपसे कुछ समय पहले बताया था कि अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, आपके पास आपने करवा रखा है 20 लाख का, तो आप उसके बेस पर आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आप जो है अपने फिक्स डिपॉजिट के बिहार पर आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, यानी अपना जो फिक्स डिपॉजिट है आपकी, आप जो है बैंक को गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोरिंग, यस आप बोरिंग कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में नो, ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने अकाउंट में जाकर कैश गई 10,000 जमा करके और आप कहने लगे कि 10,000 मेरे को 15,000 दे दो, नहीं। लेकिन
करंट अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट। आगे क्या
स्टेटमेंट ऑफ आ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ आ कंपनी मतलब एक कंपनी का स्टेटमेंट आ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट क्या है। हाँ, अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट बनना है तो उसमें एक तरफ लिखा जाएगा कि उस कंपनी ने कितना पैसा कमाया, उस कंपनी के क्या क्या एसेट्स संपत्ति है, ठीक है, क्या उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी है, क्या उसने गोल्ड खरीद रखा है, किसको किसको पैसा लोन में दे रखा है, वो सब क्या है कंपनी के एसेट्स है। लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा, उसने कहाँ से पैसा उधार लिया, जो उसको ब्याज उस उधार वाले पैसे में जो ब्याज भरना है वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। उसके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारी को जो वेजेस देना है, जो उनको सैलरी देना है, उनका हो जाएगा उसका लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है बैलेंस शीट, मतलब एक स्टेट
ऑफ द ऑब्लिगेशन टू पे रुपीज, मतलब उसको जो भुगतान की उसकी जिम्मेदारी है वो क्या है, उसकी लाइबिलिटी कहलाती है। ऐसे जैसे होता है जो आपकी इनकम को जनरेट करे वो ऐसे होता है और जिससे आपको पेमेंट करना पड़े, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे रुपीज वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। उसके लिए चलिए एग्जाम्पल में इंटरेस्ट, मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, लोन लिया बैंक से, लिया लोन मार्केट से लोन लिया, उसमें जो उसको इंटरेस्ट जमा करना है वो क्या होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी। सैलरी एंड वेजेस, जो अपने इंप्लॉयज को वो सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, वो सब क्या होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी। पेंडिंग पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, उसने कहीं से रॉ मटेरियल मंगाया तो उसकी जो पेमेंट पेंडिंग है वो क्या उसकी लाइबिलिटी होगी। जाएंगे और जो हमारे बैंक होते हैं उन बैंक, वो अगर बैंक अपनी बैलेंस शीट बना रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। तो एक मतलब नीचे पेज में एक तरफ लिखे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, दूसरी तरफ लिखे बैंक बैलेंस शीट, दोनों में कंपेयर करके देखेंगे। कॉर्पोरेट के नीचे लिखिए उसी तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज, और दूसरी तरफ जो बैंक बैलेंस शीट है उसमें एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, दोनों थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेंगे तो ठीक है आसान हो जाएगी। इधर एसेट्स में आप लिखिए मशीनरी, फिनिश्ड गुड्स, फैक्ट्री, कोई कंपनी है अगर रिलायंस इंडस्ट्री होगी जामनगर वाली फैक्ट्री है तो वो क्या होगी, उसकी एसेट होगी ना। इधर कॉर्पोरेट की लाइबिलिटीज में लिखिए टेकन नोट्स, जो उसने लोन ले रखे हैं, टेकन नोट्स जो उसने लोन ले रखे हैं वो उसकी क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी है ना, देनदारी। वर्कर वेजेस एंड सैलरी ऑफ वर्कर, जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी एंड वेजेस तो क्या होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी। तो टेकन लोन्स में क्या है कि अगर आपने लोन लिया तो हमारी लाइबिलिटी है उस लोन को अदा करना और लोन का इंटरेस्ट अदा करना, कंपनी की लाइबिलिटी होगी। जो भी उनके कमी है उनकी सैलरी एंड वेजेस आप बैंक की तरफ लिखिए, बैंक के ऐसे मिलिए, बैंक के ऐसे मिलिए गिवन लोन, गिवन लोन, भाई बैंक ने अगर कंपनी को लोन दिया है तो क्या है, वो बैंक का एसेट है ना। अगर आप अपना पैसा जाकर के बैंक में जमा कर रहे हैं तो जो पैसा आपने बैंक को जमा किया वो आपका क्या है, आपका एसेट है, और बैंक को क्या है, बैंक को लाइबिलिटी है। अगर मैं गया और मैं उसी पैसे को मैं ले आया तो अब क्या है, वो पैसा मेरी लाइबिलिटी है और बैंक का क्या है, एसेट हो गया, ठीक है। तो जो आपका एसेट होगा वो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी, मेरे पास, और बस मीडियम क्या है, बैंक है। तो यहाँ पर बैंक के एसेट में क्या लिखा आपने, गिवन लोन, गिवन लोन एंड इट्स इंटरेस्ट, यहाँ पर टेकन लोन एंड इंटरेस्ट हो गया।
और बैंक की लाइबिलिटी क्या होगी? बैंक की लाइबिलिटी हो गई डिपॉजिट्स, जो भी लोगों ने डिपॉजिट किया है बैंक में, वो बैंक क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि बैंक को कमी ना करनी, वो डिपॉजिट को वापस करना, वो भी ब्याज के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैलेंस शीट बना करते हैं। कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट ऐसे बनेंगे, सारे एसेट्स लिखे जाएंगे, सारी लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी, कहाँ कहाँ पैसा देना है, रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, ठीक है, लोन वगैरह। ये बैंक की बैलेंस शीट बनाई जाएगी, बैंक के क्या क्या एसेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ने खरीद रखी है तो क्या है वो उसका एसेट है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ने खरीद रखी ना, मान लीजिए 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है, तो एक साल बाद बैंक जाकर उसका पेमेंट करेगी, वो वापस करेगी और उसको क्या मिलेगा, ब्याज के साथ पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, गोल्ड खरीद रखा है बैंक ने, ये सब क्या है, बैंक का एसेट है। उसके पास जो उसने लोन लोगों को दे रखा है वो उसका एसेट है, लेकिन लोगों ने जो अपना पैसा जमा किया है बैंक के पास, वो बैंक का क्या हो जाएगा, वो बैंक का डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि हम कहते हैं पब्लिक पब्लिक्स एसेट इज इक्वल टू बैंक्स डिपॉजिट, ना कि पब्लिक का जो एसेट है वो बैंक क्या होगी, लायबिलिटी होगी। वही स्पष्ट कर सकते हैं, बैंक का एसेट इक्वल टू पब्लिक वो लायबिलिटी। अब लिखे इसके नीचे टाइम डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक, टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक अलग से, अलग से, हाँ राइटिंग अलग से करिए, टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी ऑफ अ बैंक, टाइम लायबिलिटी ऑफ अ बैंक, पहला पॉइंट फिक्स डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक, मतलब बैंक की एक टाइम लाइबिलिटी, एक डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब उसी को जो उसे हम कह सकते हैं टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, वो क्या है, एक तरीके से बैंक की लाइबिलिटी है ना, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो बैंक की क्या है, वो बैंक आपके लिए तो वो टाइम डिपॉजिट है, बैंक के लिए क्या है, टाइम लाइबिलिटी है, क्योंकि उतने टाइम बाद बैंक को चुकाना है। ठीक है, तो टाइम लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक क्या हो जाएगा, पहला फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, पहला फिक्स डिपॉजिट, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, मान के चलिए आपने बैंक ने कोई स्कीम निकाली कि आप 3 साल तक आप हर महीने 10,000 रुपये जमा किए, उसके बाद 5वें साल में आपको, आपने 3 साल तक 10,000 रुपये जमा किया, यानी कि 1,20,000 का सालाना, यानी कि 3,60,000 रुपये 3 साल जमा किए, बैंक ने कह रखा कि 5वें साल में आपको 5,00,000 रुपये वापस दूंगी, तो वो क्या है, बैंक टाइम लाइबिलिटी है, इसी को हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब हर एक निश्चित इंटरवल में एक सडन अमाउंट बैंक में जमा करना है। फिक्स डिपॉजिट तो आपने 1 साल उठा के 5 लाख जमा कर देंगे, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप हर मंथ एक मुफ्त किस्त में आप पैसा जमा करेंगे, ठीक है, और वो एक निश्चित समय के बाद बैंक आपको वापस देगी, उसको क्या कहते हैं हम रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि एवरी मंथ जो भी आप एक सडन अमाउंट जमा करते हैं बैंक में उसी को क्या कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। स्टाफ डिपॉजिट्स वगैरह ये भी लाइबिलिटी में क्या जाते हैं, टाइम लाइबिलिटी में, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह, मान लीजिए बैंक है, बैंक ने क्या किया कि IBPS ने एग्जाम कराया, एग्जाम कराने के बाद उसने एक बॉन्ड साइन करा लिए अपने कर्मचारियों से, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट हुए उससे, मान लीजिए बैंक ने एक बॉन्ड साइन कराया कि अगर आप 3 साल से पहले अगर आप बैंक छोड़ देते हैं, बॉन्ड अधिकतर कंपनियाँ भी बॉन्ड साइन कराती हैं, मान लीजिए उन्होंने लिया आपके ट्रेनिंग में पैसा खर्चा किया और ट्रेनिंग करके आप 1 साल तक छोड़ चले जाएंगे, आपने सैलरी भी उठाई मतलब ना, और आपने 1 साल में उनका खर्चा भी इतना हुआ और आप 1 साल में तक छोड़ के भग गए तो उनका तो लॉस हो गया ना, फिर उनको नया कैंडिडेट चुनना पड़ेगा, फिर वो पूरा प्रोसेस वो नुकसान होगा उस कंपनी का, बैंक का, तो क्या होगा कि बैंक क्या करेगी, बॉन्ड साइन कराएगी अपने कर्मचारियों से, स्टाफ से, इसको कहेंगे स्टाफ सिक्योरिटी, ठीक है, वो क्या है, कह दिया कि अगर आप 3 साल से पहले अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका वो जो आपने बॉन्ड साइन किया 2 लाख रुपये सिक्योरिटी जमा की वो आपका बैंक पहुंच जाएगा,
वो आपको वापस नहीं मिलेगा जब हो जाएगा। और तीन साल की लिमिट दी गई थी कि अगर आप 3 साल तक जॉब करते रहे तो फिर आपको जो आपने डिपॉजिट जमा किया सिक्योरिटी वो वापस कर दी जाएगी। तो वो क्या होगा, वो बैंक की टाइम लाइबिलिटी होगी ना कि भाई उसके 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ उसने 2 लाख रुपया जमा करा रखा है 3 साल के लिए सिक्योरिटी, लेकिन 3 साल में उसको वापस भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये क्या है, बैंक की टाइम लाइबिलिटी होगी। अगला पॉइंट आ रही है इसमें टाइम लाइबिलिटी, इसी में लेस लिक्विडिटी, जो टाइम लाइबिलिटी है ठीक है, इसमें जो भी एसेट जो भी चीजें हैं ये सब क्या है, लेस लिक्विडिटी। ये लेस लिक्विडिटी जो है इसकी हाई लिक्विडिटी कहाँ है, फिक्स डिपॉजिट आपने जमा है, स्टाफ का जो बॉन्ड जमा है 3 साल से पहले वो मिल जाएगा क्या, आपको जरूरत है क्या, वो 3 लाख आप देखो बैंक देखिए क्या, नहीं वो क्या जाएगी कि नहीं 3 साल बाद देंगे, तो क्या लेस लिक्विडिटी है ना, वो आप तुरंत उसका यूज नहीं कर सकते ठीक है। तो लेस लिक्विडिटी होगी। अगला पॉइंट आइए मोर इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट सो मोर मनी पास हेयर, इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स डिपॉजिट है इसका हम देखते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ना सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो मोर इंटरेस्ट सो मैक्सिमम मनी पास हेयर, भाई जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है इसलिए लोग सबसे ज़्यादा जो पैसा है इन्वेस्ट करता है यही जमा करते हैं, जो किसी भी बैंक का जो बैलेंस शीट में जो फिक्स डिपॉजिट वाला है टाइम लाइबिलिटी वाला जो सेक्शन होगा उसमें सबसे ज़्यादा बैंक का पैसा होगा, बैंक की सबसे ज़्यादा जो लाइबिलिटी होती है वो कहाँ होती है, वो होती है टाइम लाइबिलिटी, जो कि इसमें एक इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है और इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होने की वजह से लोग अपना सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में जमा करते हैं ठीक है। चलो अब लेकिन डिमांड लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी करंट अकाउंट, डिमांड लाइबिलिटी क्या क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी क्या है, डिमांड लाइबिलिटी है ना, क्योंकि उसका पेमेंट बैंक को तुरंत करना होता है, अब अगर आप कॉलेज की फीस जमा करने जाएंगे तो क्या बना के क्या आते हैं डिमांड ड्राफ्ट, आप यहाँ बैंक को पैसा जमा किया 1 लाख रुपये, वो आप डिमांड ड्राफ्ट लेकर के बैंक वहाँ गए कॉलेज गए, कॉलेज में स्टाफ आपने जमा किया था चेक किया क्या है कि आपने यहाँ पैसा दिया और तुरंत बैंक ने ट्रांसफर कर दिया उस कॉलेज के अकाउंट में ठीक है। तो आपका सेम अकाउंट, करेंट अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब क्या है, ये डिमांड लाइबिलिटीज ठीक है। अगला लिखिए लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट तो पीपल, पीपल का लेस मनी दे लेस इंटरेस्ट पीपल लेस मनी हेयर, मतलब इंटरेस्ट रेट कम है इसलिए लोग इसमें अपना पैसा भी कम जमा करते हैं। अगर पॉइंट देखिए मोर लिक्विड, मोर लिक्विड बिकॉज, मोर लिक्विड बिकॉज इजली कन्वर्टेबल इंटू कैश, मोर लिक्विड बिकॉज इजली कन्वर्टेबल इंटू कैश, करेंगे आपकी कि बैंक किस तरीके से बैंक पैसा किन देशों पे छापती हैं आरबीआई ठीक है, किस देश पर पैसा प्रिंट करेगी, गवर्नमेंट को उसमें क्या योगदान है, जब लोग मतलब क्या क्या वो उन आधारों को ध्यान में रखते आरबीआई पैसा छापती है ठीक है, उन आधारों को आप लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन सी जो टूल्स हैं रेगुलेट करने के लिए ठीक है, जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करती है आरबीआई ठीक है, उसमें एक क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, उसमें क्वालिटेटिव हम लोग देखेंगे CRR, SLR, एपॉइंट वगैरह ठीक है, फिर क्वांटिटेटिव टूल्स देखेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे ठीक है। तो आज
बता दिया था।